बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। वेलकम टू द शो, माय नेम इज़ फायक इज़हार हुसैन सिद्दीकी। साहिबों, इमरान खान की तरफ बढ़ते हुए हाथ, क्या वो उसको फांसी की सजा दे पाएंगे? ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को कैसे फांसी दी थी, उस वक्त लोगों के क्या ख्यालात थे, इस पर तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा खबरें तो बहुत सारी गर्म हैं, मसलन आइनी तरमीम होंगी या नहीं होंगी। मैं आखिरी वक्त तक यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि मौलाना का कोई भरोसा नहीं है कि अचानक आप सुने कि उन्होंने वो मुसवदा जो तैयार किया है वो बदल दिया दूसरे मुसवदे से उनके। कोई ना कोई गुल खिला सकता है ये शख्स, तो मैं क्यों यकीन करूँ जब तक कि ये केस बिल्कुल ओवर ना हो जाए। काजी के जाने की खबर, उस पर भी बिलीव ना कीजिए जब तक कि वो चला ना जाए। भाई क्यों क्यों आप यकीन करें? चला जाएगा साहब तो हम यकीन कर लेंगे, आइन तरामीम फेल हो जाएंगी तो हम यकीन कर लेंगे, उससे पहले हमें यकीन नहीं करना चाहिए। अच्छा देखिए, आज जो सूरत हाल है, अगर ओवरऑल आप देखें तो हालात इतने उलझे हुए हैं कि किसी की समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। अच्छा, और जब हालात समझ में ना आते हो, जो आज की सूरत हाल है, तो एक बात यकीनी है, आपको बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस मिलते हैं, अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें वकूफ पजीर होती हैं। इसके लिए ज़रूर तैयार रहिए, अपने आप को तैयार रखिए। जर्नल इस मरतबा जो गेम आपके साथ खेल रहे हैं वो बहुत मुख्तलिफ है। मैंने कल इस पे एक कुछ बातें आपके सामने रखी थी कि इनके पीछे कोई इजरायली थिंक टैंक ही लगता है मुझको, कि जिसने इनको ये सब टेक्निक सिखाई हैं कि क़यादत को पीटीआई की इंगेज करो और आवाम को मायूस करो, इंतशार फैलाओ, जो उनकी सारी आज तक की पॉलिसीज़ हैं। अब यह देखिए, यहाँ कोई लेक्चर देने का तो टाइम है नहीं, यहाँ कोई लंबी बात कर नहीं सकते। 10-15 मिनट में मैंने आपको सिर्फ उससे आगाही दी, अब आप खुद उसको रिसर्च करके देखिएगा, जाके आप ये टाइप कीजिएगा कि नेगोशिएशन में इजरायली स्टाइल क्या होता है, ये वो उनकी थॉट प्रोसेस क्या होती है, तो आप खुद अब आप भी गौर कीजिए। अच्छा, ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, इसमें मैंने कहा किसी वक्त भी कोई भी बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। अच्छा, चंद चीज़ें जिसके लिए अवाम को ज़हनी तौर से हालात ने और इन्हीं ने तैयार किया है, वो उनकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं। मसलन हुकूमत की छुट्टी हो सकती है, हाँ व्हाट ए बिग डील, हमारे नज़दीक इसकी कोई बात नहीं है। टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत कायम करेंगे, बहुत अरसे से हम सुनते आए हैं, माशाल्लाह ये लगा नहीं सकते। इमरान खान को फांसी पे लटका देंगे, इन तमाम इम्कानात में जो सबसे ज़्यादा खाइन बात है वो ये बात है कि ये इमरान खान को फांसी पर लटका देंगे, इसके चांसेस हैं और ये बहुत खाइन बात है। इस पे ज़रा तफसील से हमें सोचना चाहिए, बात करना चाहिए। देखिए, आज सब लोग ये बात एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि साहब इमरान खान के कम्युनिकेशन क्यों काट दिया, उनसे क्यों नहीं मिलने के लिए इजाज़त दे रहे, इसकी क्या वजह है? ये बहुत अहम बात है। अच्छा, देखिए, एग्जैक्ट बात, इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं हुई है। जो हजरत अपनी अपनी तरफ से बात बना के कह देते हैं, वो देखिए बातें आते बनानी नहीं चाहिए। जब बात ही नहीं हुई तो आप क्या कह सकते हैं कि आप प्रोग्राम के शुरू में बताएंगे या आखिर में बताएंगे कि उनसे क्या बात है? किसी की कोई बात नहीं हुई है, किसी को कुछ नहीं पता है। हाँ, बाहर बैठकर हम अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए स्केच बना सकते हैं, हमारे पास जितना अच्छा डेटा होगा इतनी अच्छी हम पोजीशनिंग कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये कंफर्म कोई नहीं कर सकता। अच्छा, इमरान खान साहब का जो कम्युनिकेशन काटा गया है उसके दो रीज़न नज़र आते हैं। एक तो बड़ा ऑब्वियस रीज़न है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि वो ये चाहते हैं कि वो जो शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है उस वक्त वो कोई हुक्म दे दें और कोई बड़ा एहतजाज या जलसा ना हो जाए। वैसे ये बड़ी बेवकूफ़ी की सी बात है, ये चाइना से क्या छुपाएंगे आप, रूस से क्या छुपाएंगे, इंडिया से जो ममालिक हैं, क्या आपके वहाँ टर्मोइल नहीं है?
हर एक कंट्री को आपकी पूरी पूरी खबर है, आपसे ज्यादा आपकी खबर है, आपसे ज्यादा आपके हालात की खबर है उनको। क्या छुपाते हैं आप उनसे? बस ये कि हमारी नाक से कट जाए, अरे आपकी नाक रही कहाँ है जो कट जाएगी। लेकिन बहरहाल ये एक रीजन ऑब्वियस सा होता है, समझ में आता है, ठीक है। दूसरा एक इम्कान है जो बहुत गहरा है, उस पर जरा और गौर कीजिए। वो ये है कि देखिए, इन्हीं ने जब से देखा है कि गंडापुर जो वहां से लेके निकला था लोगों को, और पूरे पाकिस्तान में कराची से लेके कश्मीर तक के हर तबका फिक्र जो था वो इस्लामाबाद की तरफ आ गया था, और वो धूम मचा देता, धूम मचा दे धूम, वो सिलसिला कर देता वो इनके साथ। ये कुव्वत ये देख के ये सहम गए हैं, और अब ये फाइनली इमरान खान से डील करेंगे। अच्छा, इमरान खान की ये बात आपको शुरू से पता है कि वो कहता है मैं इन चोर डकैतों से तो बात नहीं करूंगा, जिसने मुझसे गेंद छीनी है जर्नैलों ने उन्हीं से मैं बात करूंगा। अब इनकी एक ये एक मफरूजा है, ठीक है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये उनको आजकल एक वो ये भी एक इजरायली तरीका, इतनी ज्यादा हीट करो, इतनी ज्यादा हीट करो कि उसके बाद आदमी के पास कोई च्वाइस ही ना रहे कि वो आपसे निगोशिएट करने पर मजबूर हो जाए। अब इन्होंने 6 दिन से उसकी लाइट बंद की हुई है, क्या गर्मी है कि सर्दी है, क्या हाल उसका हो रहा है, ठीक है ना, कुछ तो असर पड़ेगा। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि ये उससे जेल में निगोशिएशन करेंगे, और ये नहीं चाहते कि वो कोई भी बात अपने यहाँ की अंदर की बाहर बताए और कोई चीज़ लीक हो जाए। क्यों? इनकी शान में वो कमी हो जाएगी कि जर्नैल अब उससे जेल में निगोशिएशन कर रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि एक जरा सी भी कोई बात लीक हो। दूसरी और अहम बात यह है कि ये इस बात से भी डरते हैं कि इस वक्त अगर इमरान खान को बाहर से कोई जहनी इमोशनली मदद पहुंची कि आवाम आपके लिए पागल है, दीवाना वार निकल रहे हैं, लोग जान देने के लिए तैयार हैं, तो वो निगोशिएशन में और ज्यादा स्ट्रांग होकर आएगा। लिहाजा सारे कम्युनिकेशन बंद रखो। देखिए, अगर उसको बाहर की खबरें मिलेंगी कि लोग तो इस दर्जा उसके लिए दीवाने हैं, तो उसकी कुव्वत बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये नहीं चाहते कि उसकी ये कुव्वत बढ़े, ये कुव्वत ना बढ़े, इसलिए इन्होंने कम्युनिकेशन वहां पे रोक के रखा है। और अब उसके साथ जो निगोशिएशन करेंगे उसमें जाहिर सी बात है ये अपनी जान बचाएंगे। देखिए, इनकी 70 साल की एम्पायर है जर्नैलों की, 50 से जायद बिजनेस हैं, पंखे बनाने से लेके बैंक तक, खाद फर्टिलाइजर से लेके हाईवेज तक, इनके बिलियंस ऑफ डॉलर के एसेट्स हैं, मोर देन $20 बिलियन के एसेट्स हैं उन बिजनेसेस के जो ये चला रहे हैं। और इनकी नजरें अभी रेकोडिक के खजाने पे हैं, पंजाब की जरई जमीन बेचने पे हैं। इनके अभी भी ये चाहते ये हैं कि हमारी कंफर्मेशन हो, इमरान खान हमें जबान दे कि वो अगर पावर में आता है तो वो हमें कुछ नहीं कहेगा, हम पे कोई मुकदमा नहीं चलाएगा, अरशद शरीफ का मुकदमा हो या किसी और चोरी डकैती कोई बात हमसे नहीं की जाएगी, हमें फ्री हैंड दिया जाएगा। और कोशिश ये करेंगे कि तुम हमें अभी पहले 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 स्टेप पे कि तुम हमें 3 साल और दे दो। यार कोई डाका डालने आया आपके घर में और वो कहे कि जरा थोड़ी देर और टाइम दीजिए, हम थोड़ा और डाका मार लें, तो यार आदमी कैसे कबूल करेगा कि तुम मेरे सामने मेरे घर में चोरी कर रहे हो, कह रहे हो कि जरा थोड़ा टाइम और दे दीजिए। वो तो ये टाइम नहीं देगा, उसको नहीं देना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद ये अपनी अपनी जानें छुड़ाएंगे। अगर उसने इनकी बातें मानी तो फिर ये रास्ता देंगे, और अगर उसने नहीं मानी तो फिर ये कहेंगे हैंग हिम हाय, बड़ा ऊंचा करके लटकाइए ने, ये ऐसे जालिम लोग हैं, ये लटका देते हैं। हमारे एक बड़े मुदब्बिर, बड़े पढ़े लिखे इंसान, पाकिस्तान में कम लोग हैं इतने पढ़े लिखे, वो कल फरमा रहे थे कि ये तो मुमकिन ही नहीं है ना कि ये उसको फांसी दे सके। देखिए, ये दुनिया जो है बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, ये दुनिया, और जिस तेजी से बदली है। ये ख्याल उनका, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़ा पसंद करता हूँ उन्हें, लेकिन मैं यहाँ जरा
इख्तलाफ करता हूँ कि नहीं, आपकी ये सोच ठीक नहीं है, ये इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। ये ऐसे जालिम हैं कि इन्होंने मुर्तजा भुट्टो को, उसकी बहन उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, उसके घर के सामने मार दिया, ऑन ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर के भाई को मार दिया। भुट्टो को इन्होंने लटका दिया। खाना काबा में बैठ के वादा किया था जियाउल हक ने, ये वो किरदार के लोग हैं ये जनरल आपके, कि हम नहीं मारेंगे, मारेंगे उसको, फांसी नहीं देंगे, और दे दिया आपके पास। अच्छा, तो ये इनसे तवक्को मत रखिए किसी खैर की। आप, मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। भुट्टो मरहूम बड़े वर्सटाइल आदमी, बड़ा वर्सटाइल आदमी था। देखिए, उनकी खूबियां भी थी, खामियां भी थी, ठीक है ना। उससे ये कांपते थे सब, उसके सामने जाते हुए बात करते हुए शर्माते थे। और बहुत किस्से हैं उनका, वो उन्होंने सिगार छुपा लिया था भुट्टो को देख के अपनी जेब में, जियाउल हक ने, वो जलता रहा, सर आपके सामने कैसे सिगार पीता, बड़ी बड़ी किस्से हैं। अच्छा हुआ, मुख्तसरन आपको बताऊं, एतजाज ऐसा बड़ा लायक फायक, बड़ा पढ़ लिखा आदमी हूं, उसने एक दिन कहा कि हम इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, सब कुछ हो सकता है लेकिन इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ये भुट्टो को फांसी पे चढ़ा देंगे। और फिर एक दिन क्या हुआ था, आधी रात को तारा मसीह को बुलाकर कहा था कि ये रस्सा तुमने खींचना है, इनके चेहरे पे कपड़ा डालो और इनको लटकाओ। और भुट्टो साहब ने कहा था, क्या क्या थे, फिनिश इट, क्या कुछ ऐसे कुछ अल्फाज थे उनके, भुट्टो को इन्होंने हमसे छीन लिया था। फिर भुट्टो साहब की लाश को इन जर्नैलों ने बुरहना करवाया, उनकी शलवार खोली और उनके टेस्टिकल की फोटो बनवाई कि देखो ये हिंदू तो नहीं थे, इन सिविलियन को ये इस दर्जा डिग्रेड करते हैं और ऐसा समझते हैं, ये उन्होंने किया था, ये तारीख है, लोग झुठला नहीं सकते। अच्छा, अब जरा देखिए कि इमरान खान की सिक्स सेंसेस बहुत तेज़ है, बहुत पहले से वो देखता है, समझता है चीज़ों को, ज़हीन लोगों के साथ ही होता है। उसने अपनी बहन से फ़ोन पे कहा, अच्छा ये साहब कल ये बता रहे थे कि उनकी बहन से उन्होंने फ़ोन पे अपनी वसीयत बताई है, ये वसीयत तो बहुत पहले भी उन्होंने बताई थी, ये पहले की बताई हुई है या आप दोबारा बताइए, मेरे ख्याल में पहले वाली है जो वो आप बता रहे थे, पहले भी बता चुके हैं। अब वो वसीयत ये है कि इमरान खान ने कहा है कि ये मुझे फांसी की सज़ा दे देंगे, मेरी चंद बातें हैं जो तुम लोग पूरा करवाना। नंबर वन, मेरे चेहरे पे काला कपड़ा मत डालने देना ताकि लोग मेरा चेहरा देख लें कि उनका लीडर खौफज़दा नहीं है, वो कौम के मियार पे पूरा उतरा है और मैंने कौम के लिए अपनी जानबाजी पे लगा दी है, मुझे टांग दो। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मेरी फांसी की सज़ा के लिए किसी मुस्लिम को मंतखब किया जाए, किसी गैर मुस्लिम से ना कहा जाए कि वो मुझे तख्तादार पे मेरा रस्सा खींचे और मुल्क में ऐसे फसादात ना फूटें मज़हबी, तो एक मुसलमान को लाया जाए जो मुझे रस्सी खींचे। वो मरने से पहले अपनी सारी जायदाद हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज के नाम कर चुका है। ये वो शख्स है जो मैदान में दौड़ा तो पाकिस्तान के लिए, जीत के आया तो पाकिस्तान के लिए, जो दुनिया भर घूमा तो हॉस्पिटल्स बनाए गरीबों के लिए, हेल्थ कार्ड बनाया गरीबों के लिए, कि अपनी माँ जा चुकी थी, कौम की माँओं के लिए एक नहीं तीन हॉस्पिटल्स बनाए। आज वो इतना बेबस है किन के हाथों, जर्नैली क़ुव्वतों के। क्यों? उनके पीछे बैनुल अक्वामी क़ुव्वतें हैं और उनके अपने मफादात हैं। ये बात कह सबको वाज़े तौर पे पता है। ये वक्त टाला जा सकता है, ये फांसी रोकी जा सकती है
अगर आवाम बड़ी तादाद में अडियाला का घेराव करे और बता सके इन जालिमों को कि यजीदियत नामंजूर, वो हमारा महबूब लीडर है, उसकी जिंदगी के 27 साल गवाह हैं कि किस अंदाज से वो हमारे दरमियान में रहा है और उसकी नीयत क्या है, उसका किरदार क्या है, उसने क्या काम किया, तुम्हारी नीयत क्या है, तुमने क्या किया है, ये भी कौम के सामने है। अगर कौम इस वक्त नहीं उठी तो फिर इसका अंजाम ख़राब होगा। जर्नैलों को भी, डिसीजन मेकर्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि इमरान खान को फांसी देना बहुत महंगा काम होगा। देखिए बलूचिस्तान जो फैक्ट्स हैं उनको सामने रखिए, इधर उधर की बात मत कीजिए, मैं डायरेक्ट बात करने का पहलू। बलूचिस्तान आज़ादी मांग रहा है, अब पहले हमने भी इस पर बहुत गंदगी पे कारपेट बिछाया, नहीं अब सीधी बात कीजिए। बलूचिस्तान के लोगों में ये बात उनके दिलों और जहनों में बहुत गहरी हो गई है कि हमें अलग होना है, और चाइना की 65 अरब डॉलर उस इलाके में हैं इन्वेस्ट, अब वहाँ जो खजाने हैं, क्या चाइना उसकी मदद नहीं करेगा अलग होने में? ये सियासत है, इसके सीने में दिल नहीं होता। आज अगर चाइना आपका दोस्त है, कल बलूचों का दोस्त होगा, वो कहेगा हाँ ठीक है तुम अलग हो जाओ, उसको वहाँ से दिफाई सलाहियत हासिल होगी और सारे मिनरल्स और सब कुछ होगा, उनकी जिंदगियां बदल जाएंगी बलूचों की, कल चाइना आपका दोस्त नहीं रहेगा। ये बदलती है दुनिया, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। केपी में, केपी को शुरू से आप एक गद्दार, छोटा गद्दार, बड़ा गद्दार की निगाह से देखते रहे। पहली बार इमरान के आने के बाद ये सब धुन छट गई थी, क्रिकेट के मैदान से लेकर सियासत के मैदान तक उन्होंने अपना किरदार अदा किया पश्तून भाइयों ने। वो गद्दार नहीं है, तुम कह कह के गद्दार बना रहे हो, तुम उनको धक्का दे रहे हो, तुम उनसे एक दुश्मन समझ के डील मत करो, उनको भाई और दोस्त समझ के डील करो। तुम ऐसे डील नहीं करते हो, जब देखते हो उनको शक की निगाह से देखते हो, तुम उनको अफगानिस्तान का एजेंट समझते हो, उनकी रूट्स है वहां की सदियों से, तो इसमें क्या बुराई है? वो कहता है खुल खुल के पीटीएम वाला के भाई हम आईने पाकिस्तान के अंदर रह के अपने हुकूक का मुतालबा करते हैं, उसकी फाइट कर रहे हैं, लेकिन तुम हर सूरत में उनको गद्दार करार दोगे, और उनके 3 बंदे मार दिए। बिल आखिर उनके केपी हाउस को खिड़कियां तोड़ दी, यानी ये साबित कर दिया जब भी चाहे तुम्हारी गर्दन मरोड़ के रख देंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है, तुमने जिनसे पंगा ले लिया है वो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़कर आएंगे, ये तारीख है, आज की नहीं सदियों की तारीख है उनकी। और ये बेवकूफी मत करो, उनसे एक दोस्त एक भाई की ऐसे से डील करो। इमरान अगर चला गया तो सारी कौम ऐसा महसूस करेगी कि उसके सर पे से किसी का साये का खूबसूरत तहफ़्फ़ुज़ का हाथ उठ गया, और फिर लोग अपने तय फैसले करेंगे, और करना चाहिए। फिर क्या रह जाता है? वो एक दोस्त मेरे उस दिन में आपसे कह रहे थे, प्रोफेसर साहब कह रहे थे, फारूक साहब फिर हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा पाकिस्तान से, हमें कोई हमदर्दी नहीं होगी। तो मैंने कहा नहीं, ये तो आप जज्बाती बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हाँ जज्बाती होते हैं, इंसान जज्बात से बना है, आप हर वक्त अकली दलील ना दिया करें, अक्ल हर वक्त काम नहीं आती, जज्बात की बड़ी अहमियत होती है, हमारा फिर कोई ताल्लुक नहीं होगा। लोगों के ये जज्बात हैं जिनके हाथ में कुव्वत है, अगर रब चाहे और आप लोग बड़ी तादाद में बाहर निकलें तो आप इनको रोक सकते हैं इस बर्बादी से, इस बर्बादी से इनको रोकने के लिए अपना किरदार अदा कीजिए, बड़े पैमाने पे महासरा कीजिए जाकर इसका अडियाला जेल का, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ये जो मुकदमेबाजियां हर वक्त जाते हो ना, चक्कर लगा दिए इस अदालत के उस अदालत के, लगाते रहो, हासिल क्या हुआ है आज तक? वो जंग कानूनी जंग लड़ना बड़ा जरूरी होती है, लेकिन हर वक्त उसी तरफ ज्यादा रगबत रखना और इस तरफ कमाना, ये नुकसान की बात है। पाकिस्तान एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, किसी वक्त भी कोई भी खबर आपको मिल सकती है, इससे पहले कि कोई बुरी खबर मिले आज उसके उठकर
उसका दिफा कीजिए। अगर मेरी बात आपकी समझ में आती है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपने ख्यालात से नवाजिएगा। हमारी वीडियो को बहुत कहीं आवाज़ नहीं आती, कहीं नोटिस नहीं पहुंचता, कभी उसकी रीच बहुत ज़्यादा आती है, बहुत कम कर दी है। वो जो कुछ बन पड़ता है करते हैं, लेकिन जो हमसे बन पड़ेगा हम वो करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में, ख्यालात में याद रखिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।